राशन कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। इसके जरिए रियायती दरों पर लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। राशन कार्ड को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें राशन कार्ड के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं या राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए इससे जुड़ी कुछ अहम बातों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल राशन कार्ड मुख्य तौर पर तीन प्रकार के होते हैं। इनमें गरीबी रेखा से ऊपर वालों को पीला, गरीबी रेखा से नीचे वालों को सफेद और अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के परिवारों को गुलाबी रंग का कार्ड जारी किया जाता है। जारी किए गए हर राशन कार्ड पर प्रदेश सरकार के चिन्ह का होलोग्राम चस्पा होना आवश्यक है। राज्य सरकार जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए राशन कार्डों की समय समय पर जांच सुनिश्चित करती है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करती है। ऐसे में कोई पात्र लोगों का हक न छीने, इसके लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के बाद ही राशन कार्ड दिया जाता है। यानी राशन कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ लिंक करवाना होता है। देश में राशन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग के लिए कोई आधिकारिक यूनिवर्सल पोर्टल नहीं है। हालांकि कुछ राज्य अपने स्तर पर इसकी सुविधा दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में SSDG जन सुविधा केंद्रों के जरिए राशन कार्ड में आधार सीडिंग यानी संशोधन कराया जा सकता है। राशन कार्ड और आधार लिंक होने से नकली राशन कार्ड अपने आप खत्म हो जाएंगे। राशन कार्ड क्यों, कैसे और कहां बनवाएं, ये भी आप जान लीजिए। आधार, पैन और वोटर कार्ड की तरह राशन कार्ड भी जरूरी दस्तावेज है। यूं तो इसे बनवाना हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, मगर यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप कई सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। फिर चाहे कोरोना जैसी महामारी में फ्री गेहूं चावल की बात हो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत बेहद कम दाम में अनाज खरीदने की सहूलियत। राशन कार्ड का प्रयोग पहचान प्रमाण के रूप में भी होता है। इसकी मदद से आप बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, गैस का कनेक्शन ले सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और पासपोर्ट जैसे जरूरी कागज बनवा सकते हैं। राशन कार्ड के आवेदन के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, बस भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। एक बात और, राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर ही बनता है। परिवार के बाकी सदस्य जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनका नाम राशन कार्ड में शामिल किया जाता है। राशन कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए वो आप जान लीजिए। पासपोर्ट साइज की 3 से 4 साफ तस्वीरें, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मतदाता पहचान पत्र, पते और आयु का प्रमाण पत्र, वर्तमान की बिजली बिल, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, मनरेगा जॉब कार्ड की फोटोकॉपी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।